ऐप का नया वीडियो सामने आ गया है। अब तो 30,000 कोच परिसर में हिंसा हुई और उसके बाद देखिए वकील पुलिस झड़प का नया वीडियो सामने आया है और उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी की पिटाई। ये वीडियो भी हम आपको देख के दिखा रहे हैं, नया वीडियो है जिसमें उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी की पिटाई कर दी गई है, सिविल लाइंस के एसीपी की पिटाई की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिविल लाइन में एसीपी की भी पिटाई हुई है। झड़प का ये नया वीडियो और वीडियो में वकीलों की भीड़ देखिए किस तरह से पीट रही है वो भी आप अंदाजा लगाइए। ये नया वीडियो है जो दिल्ली से बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। वकील पुलिस की झड़प अब और उग्र होती जा रही है। अब इसी को लेकर एक नया वीडियो सामने आ गया है जिसमें उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी को पीटा गया है, सिविल लाइंस के एसीपी की पिटाई भी। अवैध हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अवैध देखिए जो वकील और पुलिस वालों के बीच जो झड़प थी वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है, एक नया वीडियो सामने आ गया। ये कहाँ का वीडियो, कब का वीडियो? जी बिल्कुल, ये 30,000 कोर्ट का वीडियो है जिस दिन पहली बार वकीलों और पुलिस के बीच में क्लैश था उस दिन का ये वीडियो। और उसमें साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि उत्तरी जिले के जो एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह हैं और सिविल लाइन के एसपी जो हैं राम महर, उनकी पिटाई का वीडियो एकदम साफ दिख रहा है कि किस तरह से वकील जो है उनको घेर के मार रहे हैं। उसके अलावा एक दूसरा वीडियो है जिसमें जो डीसीपी है, महिला डीसीपी है, उनके साथ साफ तौर पर बदतमीजी करते हुए वकील जो है वो नजर आ रहे हैं। उनके जो साथी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं साथ में, वो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए उस भीड़ से जो है वापस निकालते हुए बताया जा रहा है कि लॉकअप के पास जब वकीलों ने बाइक में आग लगा के ब्लास्ट कर दिया था, उस दौरान फिर डीसीपी वहां पे पहुंची थी समझाने बुझाने के लिए, उनकी पूरी टीम थी वहां पे, और अचानक जो थे वकील वो डीसीपी महिला डीसीपी उनके ऊपर ही चढ़ गया और उनसे बदसलूकी करने लगे। और उस दौरान जो पुलिस के अधिकारी थे उनके साथ से देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला डीसीपी को बचा रहे हैं और दूसरे अधिकारी जो है तो वकील किस तरह से हाथापाई। देखिए मामले को शांत कराने के बजाय इसको और भड़काया जा रहा है। अब एक नया वीडियो सामने आ गया, इससे ये पता चलता है कि कोई भी मामला सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।